आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैपर एंड परफॉर्मर एमसी स्टैन की। एमसी स्टैन हाल ही में तब चर्चा में आ गए जब उनकी एंट्री हुई बिग बॉस 16 में। एक समय एमसी स्टैन उनके डिस्ट्रैक की वजह से बहुत ट्रोल किए जाते थे, लेकिन आज सीन अलग है। बिग बॉस की एंट्री में ही एमसी स्टैन के अलग लुक ने उन्हें काफ़ी अटेंशन दिलाई। दोस्तों सिर्फ लुक ही नहीं, एमसी स्टैन के रैप सॉन्ग भी अलग होते हैं, इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग भी अलग तरह की है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एक गरीब परिवार में पैदा हुए रैपर एमसी स्टैन की सफलता की कहानी, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज, गर्लफ्रेंड, लाइफस्टाइल और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं शुरू से। मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो, मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को, इधर फायर हो। एमसी स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। इनका जन्म 30 अगस्त 1999 को पुणे महाराष्ट्र की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। एमसी स्टैन के एक बड़े भाई हैं जिन्होंने पहली बार एमसी स्टैन को रैप सॉन्ग सुनाया। दरअसल वो रैप था अमेरिकन रैपर 50 सेंट का। उस समय एमसी स्टैन 6th क्लास के स्टूडेंट थे। ये रैप सॉन्ग एमसी स्टैन को बहुत अच्छा लगा और वो काफ़ी इंस्पायर भी हो गए थे। बात करें एमसी स्टैन के एजुकेशन की तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। उन्होंने पुणे के ही एक प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट रैपिंग की तरफ बढ़ता गया उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। एमसी स्टैन ने ये बात बिग बॉस में भी बताई कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 6th क्लास से रैप सॉन्ग से इंट्रोड्यूस होने के बाद एमसी स्टैन इस पर काम करने लगे और जब वो 8th क्लास में थे तभी उन्होंने अपना पहला सॉन्ग लिखा था। इस सॉन्ग का टाइटल था भलती पब्लिक। उसके कुछ दिनों बाद एमसी स्टैन ने इसका वीडियो भी शूट किया, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये गाना लॉन्च नहीं हो सका। दोस्तों एमसी स्टैन बचपन से ही काफ़ी शरारती रहे हैं और वो अपनी शरारतों की वजह से अरेस्ट भी हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें लॉकअप में एक रात गुजारनी पड़ी थी। एमसी स्टैन लगातार अपने म्यूजिक पर काम करते रहे और इसी के लिए वो मुंबई में साइफर अटेंड करने जाया करते थे। दोस्तों जो लोग साइफर नहीं जानते उनको बता दूं, साइफर एक रैपर्स, बीट बॉक्सर्स या म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है जो साथ में मिलकर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही एक साइफर में एमसी स्टैन मुंबई गए थे जहाँ रैपर एमीवे वनटाई भी मौजूद थे। तो साइफर के दौरान एमीवे वनटाई और उनके साथियों ने एमसी स्टैन के ऊपर हंस दिया, या एमसी स्टैन को ऐसा लगा होगा कि वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तब एमीवे वनटाई और डिवाइन काफी उभरते हुए रैपर थे। एमसी स्टैन को उस साइफर में एमीवे वनटाई की हंसी से बेइज्जत फील हुआ और एमसी स्टैन ने एमीवे वनटाई और डिवाइन पर डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी को भी रैप के थ्रू टारगेट करके उसके खिलाफ बोलना। छोड़ इन बातों को, वाटा में मुद्दे पे सीधा सीधा बोलता ते को एमीवे त्रेनू पे, तू है मम्मा पादरा बंटा बंटा करके। दोस्तों उस समय एमीवे वनटाई और डिवाइन दोनों की ही अच्छी फैन फॉलोइंग थी। तो इसके बाद जब एमीवे ने एमसी स्टैन पर डिस्ट्रैक निकाला तो एमसी स्टैन को बहुत हेट और ट्रोल किया गया। ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा। ये कंट्रोवर्सी एमीवे वनटाई के बहुत काम आई, लेकिन एमसी स्टैन को इस सबसे हेट ही मिला, क्योंकि एक तो अलग तरह का रैप था, दूसरा उनका बहुत अलग लुक, तीसरा एमीवे वनटाई की बड़ी फैन फॉलोइंग। हेट और रिपोर्ट के चलते एमसी स्टैन का पहला डिस्ट्रैक्ट डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी एमसी स्टैन ने एमीवे वनटाई को रिप्लाई दिया। बड़े को क्यों बोल रहा है छोटे, शायद तेरे कपड़ में आ गए ले गोटे, दिन बाप को भी बोल के दिखा छोटे मोटे ढोले खजवे। दोस्तों साल 2019 में एमसी स्टैन जो भी रिप्लाई डिस्ट्रैक बनाते थे उस पर भर भर के उन्हें हिट मिलता था और कमेंट में लोग छपरी है साला, एलियन जैसे कमेंट देते थे। उस टाइम एमसी स्टैन के जो भी फॉलोअर्स थे वो बहुत कम थे, लेकिन जो भी थे बहुत स्ट्रांग थे, मतलब उनके म्यूजिक को समझने वालों की संख्या कम थी लेकिन लॉयल थी। उनकी फैन फॉलोइंग स्लोली इंक्रीज हो रही थी, हालांकि जो भी लोग उन्हें ध्यान से सुनता था उनके म्यूजिक का दीवाना हो जाता था। एमसी स्टैन की जितनी फैन फॉलोइंग थी उससे ज़्यादा उनके हेटर्स थे और इसी के चलते उनके हेटर्स ने कई बार उनके घर पर जाकर उन पर हमला किया।
दोस्तों उन्हीं दिनों एक नो फिल्टर नाम की कंपनी ने उनके गिने चुने फैंस की तरह उनके म्यूजिक को समझा और उन्हें ये भी समझ आया कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। इसीलिए नो फिल्टर ने एमसी स्टैन को स्पॉन्सर कर लिया, लेकिन उनके साथ ज्यादा दिन तक काम नहीं हो पाया। स्टैन और कंपनी अलग हो गए। अब यहाँ से एमसी स्टैन की लाइफ बदलने वाली थी। एमसी स्टैन ने एक रैप सॉन्ग लॉन्च किया स्नैक। ये रैप मार्च 2021 में आया था। शुरुआत में इस सॉन्ग को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर धीरे धीरे जब ये गाना लोगों तक पहुंचा तो सुनने वाले इस सॉन्ग के एडिक्टेड हो गए और ये सॉन्ग उनका सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग बन गया। इसके बाद एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती चली गई, हेटर्स लवर्स में बदलते चले गए। ये बात सच है कि हर कोई एमसी स्टैन के सॉन्ग और पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई उन्हें ध्यान से सुनता है तो वो उनका फैन हो जाता है। साल 2019 में एमसी स्टैन को छपरी, एलियन, अनबैलेंस जैसे टैग दिए जाते थे, लेकिन 2022 में मिलियंस में लोगों को एमसी स्टैन की आदत पड़ चुकी है। उनकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। ये सब एमसी स्टैन ने अपने काम से हासिल किया है। चलिए दोस्तों एमसी स्टैन की कुछ और कॉन्ट्रोवर्सीज पर बात करते हैं। एक मॉडल ने स्टैन पर ये आरोप लगाए थे कि इंस्टाग्राम पर डीएम में स्टैन कुछ गलत बातें बोल रहे हैं। इसके अलावा एमसी स्टैन की एक गर्लफ्रेंड थी ओजमा, उन्होंने भी एमसी स्टैन पर आरोप लगाते हुए बोला कि एमसी स्टैन ने अपने मैनेजर को भेजा था मुझे पीटने के लिए और उसने मुझे मारा भी। इस वजह से ओजमा शेख ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। जब पुलिस द्वारा एमसी स्टैन के मैनेजर से इस बारे में पूछा गया तो मैनेजर ने बोला कि ओजमा शेख झूठ बोल रही हैं, उनका हर आरोप झूठा है। दोस्तों बात करें एमसी स्टैन के रिलेशनशिप स्टेटस की तो बिग बॉस में एंट्री पर ही एमसी स्टैन ने सलमान खान को बताया कि वो रिलेशनशिप में हैं। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनम शेख है और अगले साल अनम और एमसी स्टैन शादी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों एमसी स्टैन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। एमसी स्टैन ने एमसी की फुल फॉर्म बताई, माई कंट्रोलर्स, और स्टैन का मतलब होता है आधा शैतान और आधा फरिश्ता। एमसी स्टैन ने बिग बॉस में एंट्री लेते हुए ये भी बोला कि मैं यहाँ बहुत सी बातें क्लियर भी करूँगा, तो फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि हम एमसी स्टैन पर बाद में एक और बायोग्राफी बनाएं। एमसी स्टैन बिग बॉस के घर में जो ज्वेलरी पहने नजर आए हैं उसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए है। आज की डेट में एमसी स्टैन के 28 लाख से ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 20 लाख फॉलोवर्स हैं। एमसी स्टैन ने अब तक 34 गाने ही दिए हैं और उससे ही उन्हें इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग मिली है। ये गाने बहुत कम हैं अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए तो। बात करें एमसी स्टैन की हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच और बॉडी वेट लगभग 60 kg है। एमसी स्टैन के फेवरेट रैपर एमिनम और टुपाक हैं। एमसी स्टैन ने एमिवे पर एक डिस ट्रैक निकाला था खुजा मत, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, मतलब वीडियो हटवा दिया गया था, लेकिन बाद में वो वीडियो वापस आ गया था। तो फ्रेंड्स ये थी बायोग्राफी एमसी स्टैन की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।